नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं, तो ऐसे में जो सरकार का नया प्लान तैयार हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस न्यूज़ में भी निकला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को घर बैठे पढ़ाई करवाएगी सरकार। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्लान है वो तैयार हो चुका है। तो वो किस प्रकार का प्लान है, ये आपको समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से आपका यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा ऑनलाइन। तो इस वीडियो को ध्यान से अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा प्लान है वो 17/2020-21 की परीक्षाओं के लिए है। तो आप इस वीडियो को पूरा बिल्कुल भी बिना स्किप किए देखिएगा। और लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पूरा प्लान आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर लेके आए, कोरोना महामारी के चलते 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो जिसका जो असर है वो उनकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा है, उनका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वार्षिक एग्जाम से पहले छात्रों को कोर्स पूरा कराया जा सके, इसलिए मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MBBSE छात्रों की पढ़ाई YouTube से कराएगा। तो यहाँ पर इसके लिए बोर्ड द्वारा सभी विषयों का चैप्टर YouTube माध्यम में तैयार किया जा रहा है। तो YouTube के माध्यम से आपको पूरा जो कोर्स है आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक का, वो सभी कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। मध्य प्रदेश बोर्ड के चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि बोर्ड द्वारा कुछ विषयों का सिलेबस ऑडियो वीडियो फॉर्म में मासिम चैनल पर अपलोड भी किया जा चुका है। मासिम यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल चैनल पर अपलोड भी किया जा चुका है। तो बचे हुए विषयों का सिलेबस अपलोड कर चैनल को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जहां से छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। तो यहां पर आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया ने कहा कि सिलेबस के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल मॉडरेशन के लिए एक समिति भी बनाई गई है, जिसमें सभी विषयों के 100 शिक्षकों को शामिल किया गया है, जिसमें प्राइवेट स्कूल के 60 शिक्षक भी शामिल हैं। समिति में शामिल सभी शिक्षकों को सब्जेक्ट का ऑडियो वीडियो बनाकर प्रेजेंटेशन देना होगा, जिसके बाद सिलेबस को अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों पूरी बात ये है कि हम शॉर्ट में बता देते हैं कि आप, तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक प्लान बनाया गया है, जिसमें ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आपका जो सिलेबस है पूरा 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंटों को, तो वो आपका कंप्लीट कराएगा 2021 की परीक्षाओं से पहले। तो ऐसे में क्या है, जो स्टूडेंट अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, वो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकेंगे, सभी स्टूडेंट कंप्लीट कर सकेंगे। इस वजह से जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है, एक यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए, और दूसरा उसकी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी ऑडियो वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखकर, ऑडियो को सुनकर, इस प्रकार से आप अपना जो सिलेबस है कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, इससे आपके दोस्तों और सभी स्टूडेंटों को पता